हेलो गाइस, तो अब हम लोग देखेंगे हेरम्बा चंद्र कॉलेज का फुल फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। हेरम्बा चंद्र कॉलेज के बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं, उसको नहीं देखा तो उसको प्लीज देख लीजिए, प्लेलिस्ट का सेक्शन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फुल फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं बोलूंगा कि जितना भी टाइम मैं वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज कुछ भी गलती हो गई ना तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ भी गलतियां हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो, हेरम्बा चंद्र कॉलेज को करने के लिए सबसे पहले गूगल में आप लोग को सर्च करना है हेरम्बा चंद्र कॉलेज। उसके बाद सबसे पहला वाला जो लिंक आएगा, सबसे पहला वाला लिंक को क्लिक करना है। सबसे पहला वाला लिंक को क्लिक करके उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूजी एडमिशन 2023-2024 यहाँ पे दिया हुआ है कोने में, राइट कॉर्नर में। तो आप लोग उसको प्रेस कीजिएगा तो आप लोगों का पोर्टल खुल जाएगा, जिधर से आप लोग क्या कर सकते हैं, जिधर से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, एप्लीकेंट एरिया में अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप लोगों को क्लिक करना है जस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि एडमिशन नोटिस आप लोग को क्लियरली पढ़ना है, प्रोफाइल को आप लोग को अच्छे से देखना है, फॉल्स इंफॉर्मेशन एकदम नहीं देना है, करेक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन पर नीचे में आप लोग देखेंगे आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंफॉर्मेशन, इस पे आप लोग टिक करके कंटिन्यू में आगे आप लोग बढ़ जाइए। आप लोग को यहाँ पे स्टेप बताया हुआ है। अब स्टेप वन, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप टू, सेलेक्ट कोर्स एंड सब्जेक्ट। स्टेप थ्री, अपलोड इमेज। स्टेप फोर, चेक एंड कंफर्म। स्टेप फाइव, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, न्यू एप्लीकेंट अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले ये स्क्रीन आएगा, एकदम शुरू से लेके एंड तक देखिए। बाबू आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी डाउट रहे तो व्हाट्सएप में आप लोग हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर एकदम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख के कॉन्टैक्ट हमको कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अपना नाम देना है, तो जस्ट मेरा नाम जस्ट मैं कुछ भी दे दिया अभिषेक, लेकिन आप लोग अपना करेक्ट करेक्ट नाम दीजिएगा, जो नाम आपका ऑटोमेटिकली हो। तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बोर्ड देना है कौन से बोर्ड से आप लोग पास हुए हो, तो जस्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल मैंने दे दिया। यहाँ पे पासिंग इयर्स आप लोग को यहाँ पे देना है, 2023 मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड है 2023, लेकिन मैं बता दूं कि 2020 तक जो लोग भी दो साल तीन साल गैप दे दिए वो लोग भी भर सकते हैं, ओके। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मैं लाइक कुछ भी दे देता हूं, और यहाँ पे आप लोग का 10th और 12th का रोल नंबर देना है, रोल और नंबर दोनों को मिला के आप लोग दे दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सबमिट करना है, इसके बाद सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास एक ओटीपी घुसेगा, आप लोगों के नंबर पे एक ओटीपी घुसेगा, मैं भी अभी वेट कर रहा हूं ओटीपी का। हाँ तो दोस्तों ओटीपी आ चुका है, बहुत देर के बाद आया इसीलिए मैं पॉज कर दिया था ताकि आप लोगों का जाया ना जाए टाइम। तो ओटीपी आ चुका है, तो ओटीपी मैं अभी डाल रहा हूं, उसके बाद ये सबमिट एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है, सबमिट एंड लॉगिन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देखिए सारा का सारा डिटेल्स आप लोगों को वापस से भरना है, जो फर्स्ट नेम आपने डाला था वो तो ऑटोमेटिकली सामने ही आएगा। इसके बाद आप लोगों को जेंडर डालना है, जेंडर लाइक मैं मेल हूं तो मेल, फीमेल, या तो ट्रांसजेंडर जो कोई है तो वो कोई ट्रांसजेंडर मतलब ये डालेगा। उसके बाद कैटेगरी डालना है, जनरल कैटेगरी के है, एससी कैटेगरी के है, एसटी कैटेगरी के है, ओबीसी ए, ओबीसी बी, तो हम लोग यहाँ पे जनरल डालेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल डालिएगा, अगर अदर स्टेट्स का कास्ट सर्टिफिकेट है तो अदर स्टेट्स का डालिएगा। तो मेरे पास वेस्ट बंगाल का कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली भर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा पाऊं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप लोग अगर है तब यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्मली नो ही होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद ये सब पीडब्ल्यू में सब नो कर देना है, मतलब उसके बाद ये डिसेबिलिटी 0% है।
यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आप लोगों को एंड तक देखना है क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो, लेकिन वीडियो को एंड तक आप लोग नहीं देखे ना तो आप लोग का नुकसान है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा, डेट ऑफ बर्थ आप लोग देख सकते हैं, और अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज आ रहा है तो मुझे माफ कीजिएगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स लेवल आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स लेवल के हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं है तो नहीं, ठीक है। कि 10th स्टैंडर्ड मार्क्स परसेंटेज पूछेगा, लाइक मैं यहाँ पे 70 लिख देता हूँ, तो आप लोगों का जो 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स रहेगा वही, मार्क्स में कोई छेड़छाड़ नहीं, एकदम बराबर आके लिखना नहीं है बाबू, वरना वो लोग आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मतलब वेरिफिकेशन होगा सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स का। आप लोग देखिए इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, हम लोग ऑलरेडी ईमेल आईडी अपना डाल चुके हैं imabhishek01@gmail.com, जिसमें आप लोग डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अब देखिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कुछ भी डाउट हो, ठीक है। तो एप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, कंफर्म एप्लीकेंट मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, गार्जियन नेम आप लोग को यहाँ पे देना है, जो भी आपका पापा मतलब ये पापा या मम्मी कोई भी आपका घर का गार्जियन हो तो उनका नाम दे सकते हैं, और गार्जियन का मोबाइल नंबर आप लोग को यहाँ पे दे देना है। तो जस्ट मैं ऐसे ही नंबर दे दिया कुछ भी। यहाँ पे देखिए बोर्ड काउंसिल, आपने एचएस से पास किया तो एचएस ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया हुआ था पहले से ही। आप लोगों को स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, कौन से स्ट्रीम से थे आप, कॉमर्स से थे तो कॉमर्स सेलेक्ट कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा था आप लोग का, यहाँ पे 2022, और रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था प्रीवियसली। अब देखिए यहाँ पे स्कूल नेम आप लोग को बोला है, अब स्कूल नेम आप लोग को बोला है तो स्कूल नेम मैं कुछ भी यहाँ पे देता हूँ, जो भी आपका स्कूल नेम है करेक्टली आप लोग दीजिएगा वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड ये नॉर्मली आप लोग का नो ही रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखते हैं, अब 12th का स्टैंडर्ड का जो जो मार्क्स आएगा ना वो मार्क्स आप लोग को पूरा का पूरा आप लोग को अच्छे से देना है, ठीक है। तो इंग्लिश सबसे पहले इंग्लिश ही आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, देख सकते हैं इंग्लिश। थियोरी में आप लोगों को जैसे कि थियोरी का फुल मार्क्स आप लोग का 80 रहता है और प्रैक्टिकल का फुल मार्क्स यहाँ पे 20 रहता है, ठीक है। तो थियोरी में आप लोगों को मिला कितना था, थियोरी में मान लीजिए मिला है मेरे को 71 और प्रैक्टिकल में मिला है 19, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अब इसके बाद हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में क्या, मतलब ये लैंग्वेज में क्या आता है, हिंदी। अब देखिए हिंदी में यहाँ पे 80 आप लोगों को देना है फुल मार्क्स, और मान लीजिए हिंदी में आप लोग को 70 मिला है, ठीक है, और 15, तो मैं जस्ट हाइपोथेटिकली कुछ कुछ दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अब अकाउंटेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं, अकाउंटेंसी में 80 मार्क्स का फुल मार्क्स रहता है नॉर्मली, और यहाँ पे 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता है, तो आप लोगों को यहाँ पे मिला है 65 मान लीजिए, और प्रोजेक्ट में आप लोगों को मिल गया 19, तो आप लोग ऐसे करके अपने अपने मार्क्स सही सही से बिठाइएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस स्टडीज का मार्क्स यहाँ पे 80 था और प्रोजेक्ट का मार्क्स यहाँ पे 20 था, और बिजनेस स्टडीज का फुल मार्क्स यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे 60 मिला हुआ है मान लीजिए, और प्रोजेक्ट में आप लोगों को 19 मिला हुआ है, तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद कमर्शियल एक्ट कुछ भी आप लोगों का सब्जेक्ट हो सकता है, आईसीएसई सीबीएसई का कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पे 6 सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो सकता है कि यहाँ पे देखिए 80 मार्क्स है 20 और यहाँ पे 60 इसका भी यहाँ पे 19, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और सब्जेक्ट नंबर 4 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, आप लोग कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का लेंगे तो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। तो 80 और यहाँ पे 20, यहाँ पे इसका है 65 मान लीजिए और यहाँ पे 18 है, ओके। एनवायरमेंटल स्टडीज आप लोगों के पास अगर था तो एनवायरमेंटल स्टडीज आप लोग लेंगे, नहीं था तो नहीं लेंगे, ओके। तो इस तरह से ये लोग अपना कैलकुलेट कर लेगा, आप लोगों को चाप लेने का दरकार नहीं है। और पासवर्ड अपना चूज कर लीजिएगा, पासवर्ड बेटा ध्यान रखिएगा, पासवर्ड अगर आपने इस जो भी पासवर्ड लगाइएगा ना वो पासवर्ड फ्यूचर में काम आएगा, इसीलिए 6 डिजिट से लेकर 16 डिजिट तक कुछ भी एक पासवर्ड चूज कर लीजिएगा, ठीक है।
ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब बाद में ना हो। इसके बाद आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट्स मेड अवेलेबल आर ट्रू एंड करेक्ट। तो ये इसमें टिक कर देना है जस्ट, और इसमें सेव एंड कंटिन्यू कर देना है सिंपल। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन होगा यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले फोटो यहाँ पे अपलोड होगा। फोटो यहाँ पे 30 KB तक अपलोड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी फोटो यहाँ पे अपलोड आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से आप लोग को होगा। और यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है सिंपल। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे देना है, तो सिग्नेचर आप लोगों को देना है। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड का देना है। एडमिट कार्ड भी उसी रेंज में, एडमिट कार्ड भी 150 KB के अंडर ही देना है आप लोगों को। मैंने बताया है कि कौन सा ऐप से आप लोग ये सब कर सकते हैं। फोटो रिसाइजर से आप लोग यहाँ पे ये सब सारा चीज कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सारा का सारा अपलोड कर दिया, ओके। अब देखिए, अब यहां पे कंटिन्यू के बटन पे आप लोग दबा देंगे, तो कंटिन्यू के बटन पे आप लोग अगर दबाएंगे तो यहां पे कुछ फाइल शायद नहीं चूज हुई थी, इसीलिए ये हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों वेलकम। यहां पे देखिए, हम लोग डॉक्यूमेंट्स जो रिसाइज होगा ना, यहां पे हम लोग ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं लाइक, फिर इसको अपलोड करके फिर इसको चूज फाइल करके हम लोगों को इसको अपलोड कर देना है। नॉर्मली ऐसे टाइप का करना है। नेक्स्ट आपका लगेगा यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर। सिग्नेचर आपका लगने वाला है इधर। सिग्नेचर के लिए भी आप लोग अपना एक सादा मतलब कागज में अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जिसका साइज होना चाहिए 20 KB के अंदर, जिसका साइज होना चाहिए एकदम 20 KB के अंदर, ओके। तो साइज को लेके बहुत ज्यादा इशू आता है, साइज के लिए मतलब डिफरेंट साइज के लेके बहुत ज्यादा इशू आ रहा है लाइक। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से कीजिएगा ये चीज। फोटो रिसाइजर डाउनलोड कर लीजिए और एक एक प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान से ही कीजिएगा। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इस बार दिया हुआ है। कैंडिडेट्स का सिग्नेचर 20 KB के अंदर अंदर चाहिए, तो हमने कुछ डाउनलोड किए हैं। आप लोग जस्ट एक काम कीजिएगा, आप लोग फोटो रिसाइजर डाउनलोड कर लीजिएगा। फोटो रिसाइजर अगर डाउनलोड कर लीजिएगा तब आप लोग का सही रहेगा लाइक। तो गाइस फाइनली आ जाइए, असुविधाओं के लिए खेद है। यहाँ पे देखिए, हम लोग ने इसका साइज रहना चाहिए 10 to 20 KB, मतलब 10 KB से बीच में 20 KB तक यहाँ पे इसका साइज रहना चाहिए। एज प्रूफ के लिए इसका साइज रहना चाहिए अंडर 50 KB, तो कुछ भी इमेज आ जाएगा अंडर 50 KB, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अंडर 150 KB इसका इमेज रहना चाहिए, जो कि आपका रहेगा एज प्रूफ एडमिट कार्ड। नेक्स्ट आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, मार्कशीट, 12th का मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसका भी साइज रहना चाहिए 150 KB के बीच में, ओके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड यहाँ पे करके कंटिन्यू कर दीजिए, तो आप लोगों का मिल जाएगा। अब आप लोग को कोर्स सिलेक्ट करना है, कौन से कोर्स आप लोग करना चाहते हैं। 3 years BCom करना चाहते हैं या 4 years BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, ये आप लोग को इस बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। 4 years BCom with major commerce करना चाहते हैं या 4 years BSc करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत ही हिसाब से करना पड़ेगा। अगर ऑनर्स करना चाहते हैं, BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, तो सिंपली थर्ड ऑप्शन में 4 years BCom ऑनर्स में आप लोग चूज कर सकते हैं। अकाउंटेंसी का ही मिल रहा है आप लोगों को, माइनर सब्जेक्ट ग्रुप 1 ही मिल रहा है और माइनर सब्जेक्ट 2 ग्रुप 2 ही मिल रहा है सिंपली। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, छोड़िए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे AEC2 सेलेक्ट करना है, जो कि आपका ऑल्टरनेटिव इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ओके का करना है और एड माई एप्लीकेशन यहाँ पे करना है। यहाँ पे ग्रुप 2, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इंग्लिश,
इसके बाद यहाँ पे एड माई एप्लीकेशन करना है और इसके बाद ये कोर्सेज आपके नीचे दिखने लगेंगे, ये कोर्सेज आपके नीचे दिखने लगेंगे, फॉर्म नंबर, कोर्स प्रोग्राम, मेजर कोर्स प्रोग्राम। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कंफर्म का बटन दबा देना है और आप लोग देख लीजिएगा ये सारे कंफर्म है सिंचैन का फोटो के साथ, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही आप लोग को दिखा दिया किस तरह से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, डिक्लेरेशन विक्लेरेशन साइन वाइन करके प्रिंट एप्लीकेशन का बटन दबा के प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, प्रिंट कर लीजिएगा और ये प्रिंट अपने पास ही आप रखिएगा क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम में काम आएगा फिर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हेरम्बा चंद्र कॉलेज का हम लोग पूरा का पूरा देख लिया फॉर्म फिलअप प्रोसेस और भी बहुत सारे कॉलेजेस का फॉर्म फिलअप प्रोसेस आएगा। थैंक यू, मिलते हैं।